दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने ट्राईपॉड से इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने सामने कीबोर्ड रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपके पास होना चाहिए कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कीबोर्ड का यूज करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर कंप्यूटर नहीं है हम टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप कीबोर्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ, मोबाइल से टाइपिंग करने के लिए आपको क्या क्या परचेज करना है, कीबोर्ड को मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद मोबाइल से टाइपिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों सीखने के लिए इस वीडियो में साथ लास्ट तक बने रहें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से टाइपिंग करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, दूसरा आपके पास है एक OTG होना चाहिए जो आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाए, और तीसरा आपके पास होना चाहिए कीबोर्ड है। अगर दोस्तों आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन है, OTG और कीबोर्ड नहीं है, तो मैंने बिल्कुल सस्ता और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड और OTG प्रोडक्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एक टाइपिंग करने के लिए क्या क्या आपको परचेज करना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इस वाले कीबोर्ड को किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ये जो OTG दिया हुआ है इसे आपको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन में इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको जाना है फ़ोन के सेटिंग में। तो यहाँ पे चला गया सेटिंग में, और इसके अंदर आपको यहाँ पे सर्च करना है OTG। आपको OTG का फीचर एक्टिवेट करना है। तो OTG सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा OTG कनेक्शन है। तो आपको यहाँ पर यहाँ ये चला गया, मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूँ OTG। तो यहाँ पर आ गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे दिया होगा OTG कनेक्शन, इसे आपको ऑन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया। तो फीचर ऑन करने के बाद ये जो आपका OTG है अब आपको ये फ़ोन में काम करना शुरू कर देगा। तो आपको करना क्या है, जो आपके कीबोर्ड का USB है, ठीक है, तो इसे आपको लगा देना है OTG में। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद अब आपको टाइपिंग करने के लिए, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो कीबोर्ड है आपका ये आपके मोबाइल फ़ोन में काम करना शुरू कर देगा। तो इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक बटन दिया कैप्स लॉक का, तो जब इसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा LED जलता हुआ। देखिए यहाँ पर एक LED जल जाएगा, तो इससे पता चलता है कि हमारा कीबोर्ड जो है ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको टाइपिंग कैसे करना है। तो दो चीज़ें हमने सीख लिया है, एक आपको क्या क्या परचेज करना है, और दूसरा यहाँ पे हमने कीबोर्ड से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और आपको यहाँ पर सर्च करना है टाइपिंग मास्टर, या फिर आप टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टाइपिंग मास्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया टाइपिंग, और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है टाइपिंग मास्टर टेस्ट है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन को एक जगह सेट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने ट्राईपॉड से इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का सेट कर दिया। देखिए यहाँ पर सेट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने सामने कीबोर्ड रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ टाइपिंग मास्टर। यहाँ पर जो हमने सर्च किया था टाइपिंग मास्टर टेस्ट, तो जो पहली वेबसाइट यहाँ पर आई हुई है typingmaster.com, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो इस वाली वेबसाइट से आप टाइपिंग का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको टाइपिंग थोड़ा बहुत आता है, या फिर अपनी टाइपिंग स्पीड आप चेक करना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है टाइपिंग ए टेस्ट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टाइमिंग, और नीचे दिया हुआ है मीडियम टैक्स है। तो टाइमिंग में आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने मिनट का टाइपिंग करना है आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लेना। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 1 मिनट है, और ये दिया हुआ है मीडियम टैक्स। तो इसमें आप कोई भी इजी टैक्स ले सकते हैं, मीडियम हार्ड टैक्स भी ले सकते हैं टाइपिंग करने के लिए। तो अगर आपको मान लीजिए स्टार्टिंग करना है तो आप यहाँ पर इजी टैक्स से टाइपिंग अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आप यहाँ पर टैक्स को भी हार्ड करते जाना, जैसे मीडियम कर देना, कभी कभी हार्ड कर देना, ठीक है। तो आप इजी से स्टार्ट करना, और नीचे दिया हुआ स्टार्ट टेस्ट है,
तो आपको इस पर क्लिक कर देना है टाइपिंग स्पीड चेक करने के लिए या फिर टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग करने का टेक्स्ट आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अब जो हमारा ये कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड से यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है। तो अगर आप पहली बार टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपको हाथ रखना पड़ता है कुछ इस तरीके से। देखिए लेफ्ट हैंड जो आपका होगा ASDF, ठीक है, ये चार उंगली आपकी इस तरीके से रहेगी। और आपका जो राइट हैंड होगा वो आपको रखना है JKL सेमीकोलन। अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तब इस तरीके से रखते हुए और जो भी यहाँ पर कैरेक्टर सामने यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पहले से टाइपिंग जानते हैं और आपको टाइपिंग टेस्ट करना है तो इस वाली वेबसाइट को ओपन करके आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करिए। तो यहाँ पे मैंने एक मिनट का टाइमिंग सेट किया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक मिनट का टाइपिंग किया, तो मेरी स्पीड यहाँ पे आ रही है 40 वर्ड पर मिनट, मैं इतनी स्पीड से टाइपिंग कर रहा हूँ। और एक्यूरेसी यहाँ पे आ रहा है 100%, मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी जो नेट स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट है। तो इसी तरीके से आप कीबोर्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके और आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। और टाइपिंग करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। टाइपिंग करने का तरीका क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा टाइपिंग करते कैसे हैं। तो आपने देखा दोस्तों कीबोर्ड को मोबाइल फ़ोन से कैसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।